यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो कुछ बंदे आए और मारपीट करने लगे कि तूने सुशील के साथ कुश्ती लड़ने की हिम्मत कैसे की। अच्छा। और अभी लीग में खेल के दिखाना, तुझे जान से मार देंगे, जान से मारने की धमकी दे रहे थे। और जो मेरा बड़ा भाई उसको तो बिल्कुल तोड़ दिया। मुझे अपने प्रशासन पे पूरा भरोसा है मैडम। आदमी भी है, कोई भी यहाँ बाहर कुछ पंगा हो रखा था, मेरे को धक्का के अंदर कर दिया लोगों ने। और आपने भी देखा कि आप लोगों को बड़ी मुश्किल से निकाल के लेके आया हूँ मैं। अभी जो भी ये चीज़ है वो गलत है। स्पोर्ट्स में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं जब मैट से नीचे उतरा, आपने देखा होगा कि दोनों के सिर पे हाथ रखा है मैंने। बड़े छोटे की जो एक रिस्पेक्ट है उन्होंने भी किया, मेरे पैर छुए उन्होंने और मैंने उनके सिर पे हाथ रखा है कि आगे जब कुश्ती होगी तो और अच्छे से होगी। कुश्ती के बाद सभी भाई हम सभी एक जगह रहते हैं, एक साथ रहते हैं, कैंप में रहते, इकट्ठे रहते हैं। वो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और हमें बहुत ज़्यादा इस मामले में शालीनता बरतनी चाहिए, क्योंकि कुश्ती के बाद एक जगह बैठना, इकट्ठा आना जाना, ये चीज़ें गलत होती हैं, जिससे आने वाले टाइम में बुरा प्रभाव पड़ता है उसका। अभी हम अंदर कुश्ती करवा रहे थे, प्रवीण राणा आए थे और उन्होंने मुझे बताया, लेकिन मेरे पास कोई ऐसी पुष्टि नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ।